वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं वन बोल कप केक्स। आपको मैंने वन बोल ब्राउनी सिखाई थी, बच्चों की बैक टू स्कूल या स्नैक टू स्कूल सीरीज जो हमारी थी, जिन्होंने वो नहीं देखा है उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। अब हम आज आपके लिए बनाएंगे वन बोल चॉकलेट कप केक। सबसे पहले इसके लिए मुझे चाहिए वन कप फ्लावर मैदा। हर चीज मैं एक ही दफा डालूंगी और बीटर से बीट कर। कप मैदा, वन कप कैस्टर शुगर, हाफ कप कोको पाउडर। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं, इसमें हम बटर नहीं यूज करेंगे, इसको हम बनाएंगे शफक कुकिंग ऑयल से। हम लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बेकिंग मीठा तेल से नहीं बन सकता। आज हम आपको बताएंगे कि शफक कुकिंग ऑयल से हम बेकिंग भी कर सकते हैं। पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी नमक, इसमें जाएगा बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, वन एग। बिल्कुल आप यहाँ देख रहे होंगे बटर पड़ा हुआ है, बट वो हमारे आइसिंग के लिए है। रूम टेम्परेचर पे एक अंडा हमने ऐड कर दिया, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा गरम पानी। गरम पानी जाएगा इसमें 1/4 कप, ये 3/4 कप है, मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ। हाफ कप शफक कुकिंग ऑयल। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम अपने ओवन को प्री हीट करेंगे। कपकेक पैन में या जो कपकेक का या मफिन का हमारी ट्रे होती है उसमें हम लाइनर्स लगाएंगे। हम चॉकलेट कपकेक्स बना रहे तो मैं ये वाले लाइनर्स यूज कर रही हूँ। सबको बहुत अच्छे से बीट करेंगे। बीट करेंगे हल्का सा, ये सारा कुछ हम स्क्रेप डाउन करके फिर एक दफा वापस से बीटर ऑन करेंगे और फिर ये हमारे कपकेक्स का बैटर हो गया रेडी। देखें, परफेक्ट स्मूथ बनता है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इनको डालेंगे अपने मफिन के केसेस में, कपकेक की ट्रे में। बेकिंग टाइम इसका है 15 मिनट। जब ये अवन में जाएंगे तो फिर हम इसकी आइसिंग बनाएंगे, बटर आइसिंग। जी ये देखें, हमारे 9 कपकेक्स बने इस रेसिपी में, ठीक है। अब ये जा रहे हैं प्री हीटेड अवन में 15 मिनट के लिए बेक होने। जब तक ये बेक होंगे हम यहाँ पर बनाएंगे अपनी फ्रॉस्टिंग। जी अब हम बनाएंगे अपनी आइसिंग। आइसिंग के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए 100 ग्राम्स चॉकलेट। ये हमने बेक हाउस की चॉकलेट ली है, कुकिंग चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। डबल बॉयलर क्या होता है कि आप नीचे एक बोल में या पानी पतीली में पानी रख के और अपने बोल को या पतीली को इसके ऊपर रख दें, बट मेक श्योर कि ये पानी जब बॉयल हो तो ये इसके ऊपर टच ना करे, ठीक है, वरना चॉकलेट नहीं मेल्ट होगी। अब ये बॉयल होगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। मैं माइक्रो में कर रही हूँ, यही चीज़ आप चूल्हे पर कर सकते हैं। पैन में, सॉस पैन में चॉकलेट डाली, नीचे के पैन में पानी डाल दिया कि बस वो टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है आइसिंग शुगर और 100 ग्राम्स बटर, यानी कि ये देखें हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इस पे मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दी थी, सिर्फ 2 टेबलस्पून। अब ये जो रह गई है इसको हम हाथ से ऐसे स्पैचुला की मदद से कर लेंगे ताकि कोई भी इसमें चॉकलेट का लंप ना रहे। सिर्फ 2 टेबलस्पून क्रीम, क्रीम नहीं है, 2 टेबलस्पून दूध डाल दें, कोई बात नहीं, बिल्कुल स्मूथ। ये देखें, ठीक है, डबल बॉयलर पे आराम से हो गई है। अब हम अपना बटर, 4 ounces बटर को बीट करेंगे विथ आइसिंग शुगर। 4 ounce बटर है ये, आइसिंग शुगर मेरे पास 1 से 1.5 कप है, वो हम देखेंगे। आपको हमेशा बताया है बटर आइसिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जितने में ये थिक हो जाती है उतना यूज करते हैं।
एसेंस आप चाहो तो चॉकलेट भी ऐड कर सकते हो और वेनिला भी ऐड कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर मैंने आधा कप और शुगर डाली है, एक कप हमने एक्स्ट्रा ली थी, पहले डेढ़ कप ऐड की फिर आधा कप डाला, ये आधा कप यही है। अब इसमें हम ये ऐड करेंगे अपना मेल्टेड चॉकलेट, बहुत आराम से इसको फिर हम स्लो स्पीड पे बीट करेंगे इतनी देर कि हमारी आइसिंग खूबसूरत ग्लॉसी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह हमारी आइसिंग बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है। अब ये जाएगी 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में, जब तक कपकेक्स निकलेंगे हमारे और रूम टेम्परेचर पर आएंगे, फिर ये सेट होगी थोड़ा सा और फिर हम इसको अपने कपकेक्स को बहुत खूबसूरत सा पाइप करेंगे। ये देखें 15 मिनट में हमारे जबरदस्त से कपकेक्स तैयार हैं। एक चीज़ आई एम सॉरी मैं बताना भूल गई थी, बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा दोबारा बता दूँ कि कपकेक के मफिन की इसको रैपर को हमेशा बिटवीन हाफ एंड थ्री फोर्थ भरा करें, तो ये देखेंगे इस तरह होते हैं वरना ये बाहर निकल के आ जाएंगे तो वो खूबसूरत नहीं लगते। ठीक है, डेकोरेट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मेरे पास विल्टन के ये खूबसूरत फ्लावर्स थे तो मैं इसके साथ करूँगी पाइपिंग के आइसिंग पाइप करके उसके ऊपर ये लगा दूंगी। कोई बात नहीं, आपके पास ये नहीं है आप सिल्वर बॉल्स लगा सकते हैं और कोई से भी आप डेकोरेशन लगा सकते हैं। कुछ भी आपके पास नहीं है, आपको आइसिंग भी नहीं बनानी, चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर दें या जिस तरह हमने आपको चॉकलेट मेल्ट करना बताया था उसी को इसमें आप डिप कर सकते हो। एंडलेस ऑप्शंस हैं, बिस्किट लगा दें, वेफर लगा दें, कोई चॉकलेट लगा दें, जैसे आप करें। पाइपिंग का चॉकलेट को हम पाइप करेंगे कपकेक्स पर, इसमें से हम देखते हैं, अगर ये मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, आराम से देखें माशाल्लाह कितनी स्टिफ है कि ये आप इसको उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपने डेकोरेशंस करेंगे जो कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। बच्चों के लिए स्कूल वगैरह भेजने के लिए अच्छी चीज़ है, उनको अट्रैक्ट करती है, ज़रूर ट्राई कीजिए। बेसिक कपकेक्स हैं, बड़े मज़े के बनते हैं।